कोरोना वायरस के बचाव के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सभी को निर्देश दिए हैं कि वह इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें और इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार का भी पूर्ण सहयोग दें। मैं समस्त जिलावासियों से निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके सेवा के लिए खड़ी है, आपके सहयोग के लिए खड़ी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका भी पूर्ण सहयोग जो है वो सरकार को चाहिए। किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और हम सब जो है सामूहिक सहयोग के बाद जो है इस चुनौती से बाहर आ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे सहयोग की मैं अपील करना चाहता हूं और मैं सबके स्वास्थ्य की दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हुआ है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो भारतीय नववर्ष की भी मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और नवरात्रों की भी मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना रूपी चुनौती से जो है जूझ रहा है और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात जो हैं पैदा हो गए हैं तो इसको एक चुनौती की तरह, इसको एक बहुत बड़ी समस्या की तरह लेना जो है वो बनता है। और इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगाने की उन्होंने घोषणा की थी और कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में पूरे 21 दिन लॉकडाउन जो है वो करने की उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने बात की है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ ये 21 दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 21 दिनों तक यदि हम सभी दिशा निर्देशों का हम ठीक से पालन कर लेते हैं, स्वच्छता के नियमों का हम ठीक प्रकार से पालन कर लेते हैं, तो इस वैश्विक चुनौती को हम निश्चित तौर से जो है इसका जो है समाधान हो सकता है और भारत जो है एक उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व के आगे जो है खड़ा हो सकता है। अब क्योंकि 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा इसलिए जो खाद्यान्न की कमी है, खाद्यान्न है और अन्य जो हमारे दैनिक उपयोग की जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हैं, अन्य और चीज़ें हैं, उनकी कमी जो है किसी भी प्रकार से हमारे लोगों को ना रहे। आज जिला समन्वय समिति की बैठक में इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई है और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की ऐसी कमी ना हो। और मैं सभी लोगों को ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि अभी आगे आने वाले कई दिनों तक खाद्यान्न जो है वो पर्याप्त है, किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं होगी। और मेरा निवेदन रहेगा, ऐसे समय में अफवाहें भी जो हैं वो बहुत फैलती हैं, इसलिए अफवाहों से बचें। अगर किसी की कोई क्वेरीज हों, किसी के कोई प्रश्न हों, तो इसमें जो है वो दो हेल्पलाइंस हैं जो जिस पर जो है हम अपनी शंका का समाधान जो है हम पा सकते हैं। ये हेल्पलाइन जो है एक कर्फ्यू के संबंध में जो हेल्पलाइन है उसमें ये नंबर है 01792-97-707। और कोरोना वायरस के संबंध में अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो ये दूसरा हेल्पलाइन नंबर है। एक तो ये जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है वो 104 है 104, और दूसरी जो हमारी अपने जिला की जो हेल्पलाइन है वो है 01792-22-12-34।